मैं मोदी भक्त हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ, लेकिन फिर भी विरोध कर रहा हूँ। मोदी भक्त यही तो गलत चीज है ना सर। ये जो बोलते हैं ना कि मोदी के भक्त है, मोदी के भक्त, मोदी कोई भगवान नहीं है, मोदी हमारा नौकर है। अगर आप बोलेंगे ना सरकारी नौकर है, वो सरकारी नौकर है तो लोकतंत्र है। अभी तो ये भगवान कह रहे थे उनको, मोदी को, अभी तो इंसान हो गए सर। सर भगवान से एक रुपया गंगा ले रहे हैं, उसको जो गिफ्ट, सुनो उसको जो गिफ्ट मिलते हैं, बट्टा मिलते हैं, उसमें से जो भी उसका पैसा इकट्ठा होता है वो पीएम केवर केयर फंड में वो डाल देता है। मोदी जी 24 में आ रहे हैं ना डंके की चोट पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आ तो रहे हैं, आएंगे तब अगर अच्छा काम करेंगे तो बेशक आएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे, काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है सिर्फ आपने थोड़ा सा देखा है, घबराइएगा नहीं, अभी पूरी वीडियो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ना टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं और आज की पूरी वीडियो को सीधा लगाते हैं। देखिए मैं ये अंधभक्ति जो है चल रही है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। बीजेपी ने जहाँ जहाँ अच्छा काम किया, उन्हें रोड्स पे अच्छा काम किया है, मैं उसकी सपोर्ट करती हूँ। जहाँ जहाँ उन्हें बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किया है, मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगी। ये एक डेमोक्रेटिक एज अ पीपल फ्रॉम डेमोक्रेसी हमारा हक है और हमें करना चाहिए। हमें लोगों को, हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहिए जहाँ उन्होंने गलत काम किया। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कहाँ है? कहाँ है? वायदा करने से नहीं होता ना। रेल मंत्री का बयान आया ना, कहाँ है? ऑन पेपर आप कह रहे हैं ना, है कहाँ? 400 पार सीट जीतने वाली है लोकसभा में। वो तो जीत, क्योंकि देख रहे हैं आप अंधभक्ति इतना हो रहा है, इतना अंधभक्ति होगी तो कैसे डेमोक्रेसी चलेगा मेरे। लेकिन मोदी ने दिल जीता है लोगों को। मैं आपका, तो लोग सिर्फ मोदी का चेहरा देख रहे हैं ना, लोकल लीडर्स का क्या होगा? बीजेपी टिकट उनको देती है जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, आप क्या बोलेंगे उस पर? उनको जिन पे रेप के केसेस चल रहे हैं उनको टिकट मिलती है, आप बताइए आप कैसे कैसे ऐसे पार्टी पे भरोसा किया जाए? मोदी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा देखा जा रहा है, बीजेपी विश्व में मोदी जी का नाम का डंका बजता है। विश्व के ये मोदी जी का नाम नहीं, इंडिया का नाम चलता है। पहले तो आप ये सही करिए, मोदी जी के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम चलता है, भारत के, चलिए ठीक है भारत के, और भारत नहीं नहीं सर, भारत की एकता उसकी ड्यूअलिटी में है, भारत की एकता उसके ड्यूअलिटी में है। भारत हिंदुस्तान भी है, भारत इंडिया भी है, भारत भारत भी है। ये कहना भारत से भारत है, ये भारत की डेमोक्रेसी की मौत है अगर हम ये कह रहे हैं तो ये बिल्कुल है। भारत कहे चाहे इंडिया के, फर्क क्या पड़ता है, देश का ही तो नाम। मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ लेकिन फिर भी विरोध कर रहा हूँ। मोदी भक्त यही तो गलत चीज है ना सर। आप नहीं, बिल्कुल भाई सर, देखिए मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ, विकास तो कांग्रेस ही कर सकती है। सुनो, विकास कांग्रेस भगवान के होते हैं, विकास तो कांग्रेस ही कर सकती है। बीच में मत बोलिए, विकास तो कांग्रेस ही कर सकती है। उड़ीसा में बहुत अच्छा विकास चल रहा है, 351 करोड़ पकड़े गए हैं, 60 मशीनें लगाई थी नोट गिनने में और वो मशीनें भी बेचारी थक गई। एक नहीं, क्यों छोड़िए, ये कह रहे हैं छोड़िए, क्यों छोड़े? धीरज साहू जो भारत जोड़ो यात्रा की फंडिंग कर रहा था, ये कह रहे हम मोदी के भक्त हैं। भक्त आप किसी एक्टर के, मतलब मोदी जी को भगवान का दर्जा नहीं आप दे, बिल्कुल नहीं। एक डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को अगर आप भक्त का देंगे तो आप कैसे बोल रहे हैं? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें नहीं कहती है मोदी जी भगवान है, तो ये तो गलत चीज है ना। बोल रहा हूँ, लोग कहते हैं, आप कहते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं क्या? मेरी बात सुनिए, कॉपी पेस्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन ले आया गया है, सारे पूरे दुनिया की चीजें मतलब कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर ले आए जाके, हम कोई क्या गलत है? अपने अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत चीजें गलत है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत चीजें सही भी है, बहुत चीजें गलत भी है। कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। एनईपी संविधान को मानते हैं आप? मानता हूँ, लेकिन उसमें कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। बदलाव होने चाहिए, इसके समय का बदलाव होने चाहिए, बस इच्छा के बदलाव, कहाँ पे बदलाव होने चाहिए, बहुत चीजों को बदलाव जरूरत है। बताइए ना, आपको पता होगा ना कहाँ गलत है। अरे कहाँ बदलाव होने चाहिए बताइए, वहाँ पर बदलाव जैसे क्या हुआ यहाँ पूरे जो उसमें एनईपी के हुआ जाके नई एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बदलाव लाना चाहिए। एनईपी में आपने लोकल लैंग्वेजेस को बहुत ज्यादा वो करा है, तो हम सब जो बच्चे हैं, बाकी बच्चे हैं, हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, फिर कैसे आप लोग कैसे आप कर रहे हैं कि लोकल भाषाओं में
भारत हमेशा से लोगों ने इंग्लिश और हिंदी में पढ़ते आए हैं, अब अचानक से एक लोकल लैंग्वेज को आप दे रहे हैं, एनईपी में बहुत सारे फ्लॉज है। पहले आपको उस चीज को एक 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 को डील करना पड़ेगा ना। आप नए नए कोई राष्ट्रभाषा हमारी मातृभाषा पे ही पढ़ाई सबसे अच्छा, पूरे जो जापान हुआ जापानीज में पढ़ रहा है, सारे देश अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर रहे हैं जाके, और सारे लोग मातृभाषा में पढ़ाई कर रहे हैं और हम जाके इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या मतलब उस चीज का। साउथ है, आप साउथ के लोग हिंदी नहीं बोलते सर, भारत सर नहीं, क्यों बोले क्यों बोले क्यों बोले, न्यू हरियाणा में बात कर लेंगे भाई, सुने भाई न्यू हरियाणा में बात कर लेंगे, यहाँ पे खड़े करके क्यों ना हो पाएगी, तो बस उनसे भी ना हो पा रही। फिर सर एक सेकंड, आप ये देखिए ये कितना बायस्ड ओपिनियन है, नॉर्थ इंडिया की भाषा चलनी चाहिए, नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बातें चलनी चाहिए, अगर आप राम को मानते तो राम चलनी चाहिए, सब मान लिया हमने, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि दूसरे का कोई ओपिनियन ही नहीं है। आप एनईपी की बात करें ना, एनईपी के अंदर जितना हमारे प्रोफेसर से सबकी सब परमानेंट ड्यूटी हटा दी, और कोई परमानेंट ड्यूटी भी नहीं होता, हमारे प्रोफेसर हमारे एजुकेशन लेवल सभी भाषा तो हमारे अपने ही है जो हिंदुस्तान सर सर, तो अंग्रेजी में क्या दिक्कत है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी में कोई तमिल में कोई दिक्कत है, तमिल को बना दो बना दो ना सर, तमिल को बना दो ना, तमिल को बना दो, अंग्रेजी में क्या दिक्कत है, क्योंकि ये अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं इसलिए दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, मेरे को पसंद है, इनको दिक्कत है, अगर वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट सर, हमारे पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन मेघालय में उनके गवर्नर ने हिंदी का प्रयोग किया, और मेघालय का मतलब वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को बोला गया, जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूज कर, तो इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है सर, हम हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल भारत एक पत्ते, भारत के ऊपर से लेकर नीचे पत्ते तक का, आपको हिंदी से तकलीफ है, बिल्कुल तकलीफ नहीं, मैं खुद आमतौर पे हिंदी का ही प्रयोग करती हूँ, भाषा का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, फालतू के मुद्दे हैं। अब दूसरी बात ये कि जो असली मुद्दे होते हैं ना, कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अब अमेरिका के अंदर अब जो कह रहे थे एक भाई यहाँ पे खड़े हुए कि जॉब आपको पकड़ाई ढूंढना जाएगी, नहीं सर, गवर्नमेंट का जॉब है, गवर्नमेंट का काम है हमको सर्विस प्रोवाइड करना, हमारी सिक्योरिटी देना, हमको जॉब देना, हमारे को एजुकेशन देना, इसीलिए वो पावर में आए हैं, वो राजा नहीं बैठे हैं, हम उनके गुलाम नहीं है, वो हमारे नौकर हैं, हमने उनको पावर में दिया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबको ये सब प्रोवाइड करना, ठीक है। ये जो बोलते हैं ना कि मोदी के भक्त हैं, मोदी के भक्त मोदी कोई भगवान नहीं है, मोदी हमारा नौकर है, अगर आप बोलेंगे ना सरकारी नौकर है, वो सरकारी नौकर है, तो लोकतंत्र है, तो लोग पहले तो सबको लोगों को समझना पड़ेगा कि हमको ऊपर माने, और जो काम करने वाले हैं वो हमारा काम करने वाले हैं, ठीक है। मोदी आए तो सर, राजा के पास पैसा तो बहुत आ रहा है सब, मैं आपके साथ हाथ जोड़ता रहूं, आपको थप्पड़ मारता रहूं सर, हाथ जोड़ू थप्पड़ मारूं सर वो कितने लाखों का तो सूट पहनते हैं वो, एक रुपया गंगा ले रहे हैं, उसको जो गिफ्ट सुनो उसको जो गिफ्ट मिलते हैं, बट्टा मिलते हैं, उसमें जो भी उसका पैसा इकट्ठा होता है वो पीएम केयर फंड में वो डाल देते हैं। कितना होता है सर, सर हिसाब तो छोड़ो, हिसाब तो छोड़ो, करप्शन को लीगलाइज किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का रिकॉर्ड कहाँ है, उसका कहाँ है रिकॉर्ड, उसका ऑन रिकॉर्ड कहाँ है सर, आरटीआई कहाँ है सर, हम नहीं है कहाँ, क्यों है ना मैडम, जाओ ना कोर्ट में, अरे सर एक काम करो, आरोप लगा दो बस, या तो सबूत लाओ या आरोप मत लगाओ, मैं सबूत देता हूं, आपके पास सबूत है, पीएम केयर फंड का सबूत है, मैंने आप रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, मैंने इनको ये बोला है कि आपको उसमें इसमें अगर आपको कोई चीज का पीएम केयर फंड में घोटाला लग रहा है, आप कोर्ट में केस कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, होनी चाहिए ना डेमोक्रेसी में एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का वो कहाँ है रिकॉर्ड, करप्शन को लीगलाइज किया गया क्यों, ये बताइए इसका जवाब दीजिए आप सर, किसने की कांग्रेस में क्यों पढ़ते हैं, ईडी के चापे कांग्रेस में क्यों पढ़ते हैं बताओ, कांग्रेस राज में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के लिए बोला था ये सरकारी तोता है जो पिंजरे में कैद है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।